मनुष्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मनुष्य संवाद। नमस्ते। आज आप देख रहे हैं, हमने टाइम थोड़ा बदला है। उसका कारण ये था कि कुछ और अन्य कमिटमेंट्स की वजह से मैंने सोचा था आज ऑफ लेंगे और आज शो नहीं करेंगे, परंतु रॉबर्ट रोजेल जो कि 30 वर्षों से, मोर देन 3 decades, रॉबर्ट रोजारियो हैज बीन हेल्पिंग विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड अदर ऑप्रेसिव कंडीशंस प्रेवलेंट इन द चर्च। तो कई सालों से ऐसे ये बच्चियों को भी रेस्क्यू किए हैं, उनको मदद दिए हैं, और चर्च के साथ कड़ी टक्कर इन्होंने अपने बलबूते पर ली है। इनका छोटा सा जो भी संगठन है वो चर्च के अब्यूजेस को, विशेषकर सेक्सुअल अब्यूजेस को एक्सपोज करने में इट हैज शोन एग्जेम्पलरी करेज। नाउ रॉबर्ट इज कॉट इन अ बिट ऑफ अ बाइंड राइट नाउ कि 2018 में जो एक महिला जो कन्वर्ट हुई थी शादी के लिए, सहना उसका नाम है, और फिर उसने नौकरी की बिशप्स ऑफिस में या चर्च के ऑर्गेनाइजेशंस में, और कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे उसका शोषण करने का प्रयास हुआ या किया भी गया, और सब कुछ करने के बाद भी उसने रॉबर्ट की मदद मांगी क्योंकि वो राजी नहीं थी चर्च में ये बिशप्स के या अन्य ऑफिशियल्स के एक सेक्स स्लेव के रूप में जीने के लिए वो राजी बिल्कुल नहीं थी, और इस वजह से उसने रॉबर्ट से मदद मांगी थी। रॉबर्ट ने दी भी थी। ये सारी डिटेल्स रॉबर्ट बताएंगे और किस बर्बरता से उस जवान महिला की आवाज दबा दी गई, उस पर किस किस किस्म के क्रिमिनल किस्म के प्रेशर दबाव डाले गए, और वो लड़ाई आज कहाँ पहुंची है। रॉबर्ट खुद उसमें बहुत रिस्क ले रहे हैं क्योंकि चर्च की पावर तो आप जानते ही हैं कितनी भयंकर और भीषण है। ये जिहादियों से कम नहीं है। जब ये अपनी करनी पे तुलते हैं तो उनकी पावर कम नहीं है। जस्ट दैट द फेस इज मोर सोफिस्टिकेटेड। सो रॉबर्ट, विदाउट मच अडू, I would like you to describe what this case is about, और इसमें अब किस पड़ाव पे आके ये केस रुका हुआ है सहाना का। तो आप उससे पहले आपको उसका खुद खुद उसका शक्ल वीडियो दिखाएंगे, उसने जो खुद वीडियो बनाया था जनवरी 2019 में। नहीं, पहले उसकी थोड़ी सी आप देखें। ये है लड़की, सहाना नाम की लड़की है। इसकी चिट्ठी भी, आशीष अगर स्क्रीन पे इसको दिखा सको क्योंकि आवाज बहुत कम आ रही है, तो मुझे लगता है कि रॉबर्ट को ही बताना पड़ेगा। चिट्ठी भी हैंड रिटन चिट्ठी है जिसमें वो ही बातें जो वीडियो में इस लड़की ने खुद बना के पोस्ट की थी, रॉबर्ट से शेयर की थी, वो चिट्ठी भी दिखा दीजिए। और रॉबर्ट आप जरा बताते जाइए, चिट्ठी हमारी स्क्रीन पे होगी जी। तो अभी आप बात करें इसके बारे में, लोग इतनी आसानी से शायद छोटी स्क्रीन पे पढ़ न सके, तो प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल द केस। और जैसे कि मैंने बताया, सहाना नाम की लड़की है 23 साल की, वो बिशप्स हाउस में काम कर रही थी। नहीं नहीं पहले ये भी बताओ कि वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। जी, ब्राह्मण परिवार से ही, उसके उसके माँ बाप तो आज भी ब्राह्मण ही हैं। ये तो 18 साल की उम्र में एक लड़के के इसमें आ गई, लव अफेयर में आ गई। वो ईसाई था इसलिए ये भी कन्वर्ट होके फिर ईसाई बन गई। तो 18 साल की उम्र में उसने शादी कर दी थी। तो जैसे वो ईसाई बन गई तो फिर उसने उसको जॉब मिला बिशप्स हाउस में, बिशप साहब में काम करती रही।
तो क्या हुआ 2017 में बिशप, पहले का बिशप रिटायर हो गए थे, नया बिशप आया विलियम, अभी जो है बिशप विलियम, जो बड़ा ही क्रिमिनल किस्म का आदमी है। जैसे ही बिशप बदल गया तो इस लड़की को हरेसमेंट शुरू हो गया। हरेसमेंट यानी वो ऐसा ऐसा आदमी है कि जो औरत वो देखता है उसके ऊपर नजर डालता है, ऐसा इंसान है विलियम। तो इसके इस लड़की ऊपर नजर हो गई उसको, उसको रात को बुलाने को शुरू किया, शाम को 6 बजे 8 बजे बुलाने को शुरू किया। ये राजी नहीं हुई, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी हैरेसमेंट देखकर। नहीं, जैसे हैरेसमेंट नहीं, देवर अपेरेंटली इट लुक्स लाइक देवर अटेम्प्ट्स टू फिजिकली मॉल हर एंड परहैप्स अटेम्प्ट्स इवन ऑफ रेप, आई डोंट नो व्हेदर ही सक्सीडेड और नॉट। ऐसा अंदाजा उस वीडियो से लगता है, जैसे वो ट्रॉमाटाइज थी कि उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सिर्फ जबानी बात नहीं हुई। नहीं, वो तो काम छोड़ने के बाद, जब तक वो वहां पे ड्यूटी पे थी उसको वही वो बुलाते थे, मतलब सेक्सुअल एडवांसेस बोलते ना वैसे करते थे, राजी नहीं हुई, दूर रही, इसने अलाउ नहीं किया और काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद जैसे ये दूसरी जगह पे नौकरी पे लगी, उस जगह से उसको दिन दहाड़े अपहरण करके ये सब किया, जो वो बोल रही ना, वो 2 बजे के गुंडों के जरिए, 4-5 गुंडों के जरिए उस जगह से अपहरण करके एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके जाके आंखों पे पट्टी बांध के इसको ये सब किया गया। आप डिटेल में बताइए कहाँ नौकरी की, फिर कैसे 3 गुंडे आए, फिर क्या क्या, डिटेल में बताइए, हमारे दर्शकों को पता नहीं चलेगा, हालांकि ये चिट्ठी स्क्रीन पे है, धीरे धीरे चलाएंगे आशीष, बट प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल। So she was working in Mandovi Motors, Mysuru. ये मैसूर की कहानी है। मैसूर आप जानते होंगे, मैसूर तो बहुत बड़ी जगह है कर्नाटक में, मैसूर किंगडम, ये दशहरा के लिए जाने जाने वाली जगह है, ऐसी जगह मैसूर सांस्कृतिक नगरी है अपने कर्नाटक की। इस जगह की कहानी है ये। जैसे ये लड़की ने मांडोवी में रिसेप्शनिस्ट के जॉब पे काम कर रही थी, तो क्या हुआ एक दिन दोपहर के टाइम में अराउंड 2 o'clock एक गाड़ी में 2-4 लोग आए और देखिए प्रोफेशनलिज्म, देखिए इनका किडनैप करने का प्रोफेशनलिज्म, शायद ये प्रोफेशनल ये है ना अंडरवर्ल्ड, उनको भी शर्म में डाल देगा ऐसे प्रोफेशनलिज्म। 2-4 लोग आए, एक रिसेप्शनिस्ट के सामने खड़ा रहा और 2 अंदर गए मैनेजर से बात करने के लिए। और उस टाइम जो आदमी खड़ा था इसके सामने, इस लड़की के सामने जो आदमी खड़ा था, उसके हाथ में जो मोबाइल था इसको ये लड़की को दिखा रही थी वो, मतलब इस अंदाज से कुछ बोला नहीं। तो उसके मोबाइल में स्क्रीन में ये चल रहा था कि इसका बच्चा, जो छोटा बच्चा था 2 साल से भी छोटा, तो उसका वीडियो चल रहा उसके मोबाइल में, उस आदमी के मोबाइल में। इस लड़की का ध्यान उधर गया तो तुरंत उसको ध्यान आया कि आज के कपड़े हैं ये, आज का ताजा चाचा वीडियो है वो, आज ही बनाया हुआ। तो तुरंत उसने मां को फोन करके पूछा कि कौन से कपड़े में है बच्चा और क्या कर रहा है। उसने बता दिया ऐसे ऐसे कपड़े में और ऐसे ऐसी जगह खेल रहा है। तो वही दृश्य, मतलब कुछ ही मिनट पहले शूट किया गया वीडियो है वो दिखाया। जैसे ही वो वीडियो देख के थोड़ा सा डर गई लड़की, तो उसको फोन आया। कहां से फोन आया? बिशप विलियम से, खुद विलियम का आवाज, उसका फोन आया और उसने बोला देखिए जो आदमी तुम्हारे साथ खड़ा है उसके साथ चलो, बस चुपचाप आवाज नहीं करना, सीधे उसके साथ चलना, जो वो जहां लेके जाए ले जा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, वो खतरे में है, सारा परिवार खतरे में है। तो ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, आवाज नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, सीधा प्रोफेशनलिज्म ऑफ किडनैपिंग। तो बस वो चुपचाप उठ के वहां से उनके गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में एक औरत भी थी। जैसे ये गाड़ी में बैठ गई तो उसको उसको आंखों पे पट्टी बांध, हिजाब पहना हुआ था। हाँ जी, हिजाब पहना हुआ था। एंड दे उसके आंखों पे पट्टी बांध दिया, लड़की की आंखों पे पट्टी बांध दिया और इसको पता नहीं लगा कि कहाँ पे ले गए वो। जाते जाते वक्त थोड़े दूर जाने के बाद इसका पट्टी थोड़ी सी नीचे गिर गई, तो एक लोकेशन इसने देखा, कुछ बोर्ड देखा, तो उसको याद है वो लोकेशन, वो उसने बताया इसमें कंप्लेंट में बताया। फिर इसके आंखों में पट्टी बांधी और एक 20-25 मिनट की दूरी जाने के बाद एक एक शमशान जगह में एक बंगले के अंदर इसको ले जाया गया। और जैसे ही अंदर गई तो बिशप विलियम वहां पे हाजिर था, ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट, बिशप विलियम ऑफ मैसूर। तो विदर इसको प्रताड़ित करना शुरू किया और कैसे कैसे किया वो तो डिटेल वीडियो में दे सकते हैं कि उसी भाषा में सुना तो अच्छा होगा। और
सब हैरेसमेंट करने के बाद उसका मोबाइल लेके पूरा डेटा डिलीट कर दिया उसका, कुछ भी नहीं बचा, ना कांटेक्ट बचा, ना माँ बाप के नंबर भी नहीं बचे, पूरा डिलीट करके और बोल दिया अगर आज के बाद अगर तुमने कुछ ऐसे ऐसी हरकतें की या किसी को बताया तो पूरा तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में, सिर्फ तुम नहीं तुम्हारा बच्चा माँ बाप सब। सो डर के मारे इस लड़की ने किसी को बताया नहीं और 6 महीने तक इसी गुंडों ने, जो गुंडों ने अपहरण किया था यही इसको 6 महीने तक पीछा करते रहे रोज सुबह शाम, ये क्या कर रही है, ये 6 महीने तक ये किसी से बताया नहीं इसने, तो चुपचाप थी। तो उस बाद में उन्होंने फॉलो करना छोड़ दिया 6 महीने के बाद। तो इस लड़की के मन में बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश बहुत था। तो क्या क्या उसके बाद इसने खुद जाके अपने घर में एक वीडियो बना लिया, ये सारे एक्सप्लेन करके जो जो हुआ उसके साथ वो एक्सप्लेन करके अपने घर में अपने मोबाइल में जनवरी 2019 में वीडियो बनाया, हालांकि इंसिडेंट हुआ था जून 2018 में। तो वीडियो में सारा एक्सप्लेन करके आशीष पार्ट ऑफ द स्क्रीन पे आप वीडियो दिखा दीजिए आशीष प्लीज। हाँ अगर दोनों चीजें आ सकती हैं। हाँ जी, और 2019 वीडियो अंग्रेजी में है, मैंने पूरा सुना है, कल रात को पूरा सुना है और चिट्ठी से भी ज्यादा डिटेल में ये लड़की खुद ही बता रही है उसके साथ कितना आतंक का माहौल था जब उसको 6 महीने शायद चर्च में नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये लड़की ने जिस डिटेल में डिस्क्राइब किया है अपनी यात्रा और किस किस्म का उस पे दबाव डाला जा रहा था, उसको सुन के ही मुझे लगा कि रॉबर्ट जिस केस को इस वक्त लेके बैठे हैं इससे रॉबर्ट की जान को भी खतरा है, अगर इस लड़की के साथ ये सब हो सकता है। और इसीलिए मैंने इमरजेंसी मोड में आज ये प्रोग्राम किया। रॉबर्ट यू कैन कंटिन्यू। अब देखिए ये वीडियो है 2019 जनवरी का, तो इस लड़की को किसी, हम लोगों का किसी का परिचय नहीं था, हालांकि मैं तो मैंगलोर में रहता हूँ, मैंगलोर मैसूर से करीबन 270 किलोमीटर दूर है। और ये लड़की क्योंकि थोड़ा सा सोशल वर्क मतलब फील्ड में जाती थी, थोड़ा ये थी बोल्ड भी थी, तो इन्होंने क्या किया ये वीडियो करने के बाद ये इसने भाग दौड़ किया मुंबई तक, मुंबई गई, बेंगलुरु गई, कई लोगों से मिली, महिला संगठनों से मिली, ये हालांकि हमारे अब बिग बिंदी वाले अब कहते ना जो एक्टिविस्ट है मुंबई में, उनसे जाके मिली, सबको जाके मिली। और जैसे पता लगा कि सामने बिशप है मैसूर, तो किसी ने इसको हेल्प नहीं किया, हेल्प मतलब ऐसे क्या बोलते हैं कि पर थोड़ा सा ये किया होगा लेकिन ज्यादा हेल्प नहीं किया। बट रॉबर्ट इसका कारण भी साफ है, ज्यादातर फेमिनिस्ट एनजीओ चर्च फंडेड, ज्यादातर फेमिनिस्ट एनजीओ चाहे उनका नाम सेक्युलर हो चाहे कुछ भी हो वो चर्च फंडेड है और वो कभी चर्च के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ, अब तो बहुत से इस्लाम फंडेड भी है, इसलिए वो कभी भी इन दो संस्थाओं के साथ कभी भी कोई पंगा नहीं लेते, कभी कोई एक्सपोज नहीं करते। जी प्लीज कर। या तो इसको मुंबई में नाम नहीं बता, नहीं बताना चाहता अभी मुंबई में किसके मिले, खैर छोड़िए। उसके बाद क्या हुआ, हमारा संगठन है एक AOCC करके, एसोसिएशन ऑफ कंसर्न कैथलिक्स, वो जो मुंबई में शुरू हुआ था उसके बाद फैल गया, अब बेंगलोर में मैं हूँ उसमें, बेंगलोर में है, मैसूर में है, गोवा में है, मुंबई में ऐसे, मतलब AOCC का मूल उद्देश्य है कि चर्च में जितना भी ये घोटाला होता है लैंड स्कैम, मनी स्कैम, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो AOCC के मेंबर हमारे थे बेंगलुरु में, उनसे जाके मिले, उनसे परिचय हुआ उनका शायद मार्च अप्रैल 2019 में, मतलब ये वीडियो बनाने के 2-3 महीने के बाद। तो उनसे जाके मिली और उनसे सब एक्सप्लेन किया, तो वो लोग भी ज्यादा हेल्प करने से थोड़ा सा हिचक गए, मतलब बड़ा आदमी है सामने। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया, जैसे मेरे को बाद में पता चला। तो क्या हुआ, ये अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में आके इन लोगों के, हमारे संगठन के सदस्य, इन लोगों के सामने ये चिट्ठी लिखी लड़की ने,
मतलब वीडियो बनाने के 3-4 महीने के बाद ये चिट्ठी लिखी है, तो एक बार नहीं हुआ काम, तो वही चिट्ठी और वो पुलिस के लिए एड्रेस किया था, मतलब डीजीपी के लिए एड्रेस करके चिट्ठी लिखी है, पूरा लिखा है। और पूरा लिखने के बाद वो वापस मैसूर गई, ये बोल के गई कि आप लोग इसको पुलिस में हैंड ओवर करिए, मैं घर जाके परमिशन लेता हूँ। तो जैसे ही घर पहुंच गए, शायद घर वाले ने बोला होगा पुलिस में मत जाओ, तो फिर बोली इन लोगों से कि कंप्लेंट अभी लॉज मत करो, वैसे रखो, तो वैसे ही रख दिया। उसके बाद मेरे से संपर्क हुआ अपने एओसीसी के मेंबर बेंगलुरु ने, मेरे को कंप्लेंट किया, तो हमारा एक टीम बना के मुंबई, मैंगलोर और बेंगलुरु वाले एक कई लोगों का टीम बना के हम मैसूर गए छोटा, नवंबर अक्टूबर एंड में गए, और सारा जांच पड़ताल के बाद पता चला कि कई सारे घोटाले हैं ऐसे कि यू नो क्रोर्स ऑफ मनी मिस अप्रोप्रिएटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट तो रैम्पेंट है। जैसे इस लड़की ने कई सारी घटनाएं बताई, अपने अपने खुद के प्रताड़ित के सिवा और कई अन्य महिलाओं को जो जो हुआ है वो भी कहानी सारी बता दी इस लड़की ने। तो इसके बाद हमने तय किया कि अभी एक केस लेते हैं। एक मिनट, आपने जो कल मुझे इस केस का बता रहे थे और इस लड़की की जो मैंने वीडियो सुनी, उसमें ये भी था कि किस तरह जो लड़कियां या महिलाएं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए राजी हो जाती हैं चर्च में, तो उनको कितनी आराम और ऐश की जिंदगी मिलती है, कार भी ले दो, बंगला भी दे दो, वगैरह वगैरह, जरा वो डिटेल्स थोड़ी सी बताइए। वो तो अब देखिए, पादरी के बाद बिशप, मतलब उनको शादी नहीं करनी है और दे आर कमिटेड फॉर क्या बोलते हैं कि सेलिबेसी यस। लेकिन इस इंसान का विलियम के बच्चे हैं और बच्चा उसका बेटा तो बिल्कुल लगता है कि इसका ही बच्चा है शक्ल से, तो वैसी एक औरत है जिसका वो बच्चा है, उस औरत को उसने ये दिया है, कार दिया, बंगला दिया, सब कुछ दिया है, ये एक्सप्लेनेशन वो दे रही है लड़की। और ऐसे प्रताड़ित करना, काम वालियों को प्रताड़ित करना जो घर घर में काम करने के लिए आती है, उनके साथ ये करना, वो तो बहुत आम बात है। और ये रकेल है, रकेल दो चार रकेल है, ये दो रकेलियों को इसके बच्चे हैं, वो भी एक अभी बहुत बड़ा मामला बन गया, उसका भी ऑडियो आपको भेज दिया मैंने, जो बातचीत होती है मुंबई का कार्डिनल ऑसवाल्ट और बिशप विलियम के बीच में, कि ऑसवाल्ट बोलता है कि अरे आपके ऊपर इल्जाम लगे कि बच्चा है, तो ये तो बिल्कुल ये बिशप नहीं रह सकते, इसलिए बी रेडी फॉर ए फेटर्निटी टेस्ट, तो बिशप विलियम डिनाई करता है। वो ऑडियो भी आप चला सकती है, क्या बातचीत की है, मतलब वो एक अलग ही कहानी हो गई। मतलब हमें कहां तक ये मूर्ख बनाते हैं कि इनकी बीवियां होती है, बच्चे होते हैं, फिर हमें हमारे सामने बोलते हैं कि बहुत होली लोग हैं ये, तो वो एक कहानी। अब इस लड़की के खुद की कहानी पे आते हैं जी। अब देखिए नवंबर, तो नवंबर 5 तारीख को, अब ये लड़की तो पुलिस स्टेशन जा नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही भय का वातावरण था, तो मैंने जाके कंप्लेन किया लश्कर मोहल्ला पुलिस स्टेशन मैसूर में, और ज्यादा नहीं लिखा कंप्लेन में, इतना ही लिखा है कि मैंने एक वीडियो इसके साथ अटैच किया है, आप खुद जान सकते हैं कि उसकी यातना क्या है, और FIR दर्ज करके आप कानून के हिसाब से टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो पुलिस का ड्यूटी बनता था कि तुरंत FIR करें, क्योंकि मैंने एविडेंस दिया है, एडमिसिबल एविडेंस एज पर एविडेंस एक्ट की वीडियो दिया है, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं किया तुरंत, मेरे को एक चिट्ठी दी ताकि कंप्लेन मिला बोल के, एक NCR करके चिट्ठी दी, और हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ही बड़ा ये क्या इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सब, मतलब लड़की का आइडेंटिटी हमने डिस्क्लोज नहीं किया, उसके बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बता दी। और ये वीडियो ऐसे इस वक्त में ये वीडियो मीडिया के हाथ में लग गया, कैसे लग गया हमें नहीं पता, लेकिन मीडिया वाले हैं वो, हमने पुलिस को दिया था वीडियो, वहां से जा सकता है, पता नहीं कहां से गया, लेकिन मीडिया में जैसे ही इसके टुकड़े आने लगी तो लड़की डर गई और उसको ऐसे लगा कि सेफ नहीं है, मैसूर में रहना सेफ नहीं है, तो वो बेंगलुरु में जाके, विमोचना नाम की एक संस्था है बेंगलुरु में, देयर क्लेम इज वी आर हेल्पिंग डेस्टिट्यूट वुमेन, वुमेन इन डिस्ट्रेस वी आर हेल्पिंग, दैट इज देयर क्लेम। अब उन्होंने क्या क्या कारण, Robert, I've known them for the last 35-40 years. Okay. बहुत पुरानी अल्ट्रा फेमिनिस्ट संस्था है, पर वो भी नाम विमोचना है, लगता है संस्कृत का नाम है, बहुत ही हिंदुस्तानी नाम है, भारतीय नाम है, पर है तो चर्च फंडेड।
एंड वन ऑफ द हाईएस्ट फंड रिसीविंग संस्था जो बैंगलोर में है विमोचना, और उनकी फाउंडर्स में डोना फर्नांडिस है शायद, डोना फर्नांडिस, सो प्लीज कंटिन्यू. और कॉरिन कुमार, और एक कॉरिन कुमार शायद डोना से भी ऊपर है, कॉरिन कुमार डिसूजा, इज इट डिसूजा, वो पता नहीं, कॉरिन कुमार इतना ही मालूम है, वो और भी डेंजरस है, डोना भी थोड़ा, कॉरिन कुमार इज मोर डेंजरस, बहुत ही खतरनाक औरत है वो. जैसे कि ये लड़की उधर जाके उसने शरण ली विमोचना में, और वो क्लेम करते हैं कि जो भी हमें यहाँ आता है हम उनको आश्रय देते हैं, उनको खाना देते हैं, मुफ्त में देते हैं, और सारे तरह का प्रोटेक्शन देते हैं, जहां तक जब तक ये यहाँ रहती है तो बिल्कुल सेफ रहती है, ये सब क्लेम है उनको. तो इस लड़की को भी लगा कि से भी शायद फंडिंग लेते हैं, you should check on that. लेते होंगे शायद हाँ, लेते हैं मेरे, I think they do, but please double check. This is the claim they make, no? Because we are helping in women. मतलब government को क्या चाहिए है? Government सरकार को भी नाम चाहिए. हम देखिए ऐसे ऐसे लोगों को help करते हैं. वो भी एक वोट बैंक है ना? और जो भी महिलाओं को सहाय करता है, हम उसको fund करते हैं. तो government की policy भी होगी ऐसी. तो जैसे ये लड़की वहां जाके इसने शरण ली, तो हमारे हाथ, मतलब हम मैसूर से बेंगलोर काफी दूर है, वो मैसूर अलग ही डिस्ट्रिक्ट हो गया, बेंगलोर शहर अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया. बेंगलोर में जाके उधर से एक 4-5 घंटे का रास्ता है मैसूर से बेंगलोर जाने के लिए. तो एक कंप्लेन दर्ज हुआ था मैसूर में, और वो जैसे ही विमोचना में गई और मतलब उन लोगों की देखरेख में थी, तो 2 दिन का मोहलत हमने ली. वो डरी हुई थी बीते, उसको थोड़ा काउंसलिंग की जरूरत थी. तो जैसे वो थोड़ा सा मतलब वो हमारे को सुनने के लिए तैयार होगी, मतलब 5 तारीख को मैंने कंप्लेन लॉन्च की थी. 2-4 दिन के बाद हम वहां गए, विमोचना संस्था बानसवाड़ी में है बेंगलुरु में, वहां मैं और मेरे साथी AOCC के साथी जैसे गए, वो थी, हमने उसको देखा, उसका बच्चा था साथ में, माँ बाप, इतने 4 लोग थे वहां पे, और हमने सबसे बात की माँ बाप से. सारे डरे हुए थे, माँ तो रो रही थी, माँ तो ऐसे बोल रही थी कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, विष पी के मर जाएंगे, उसके हाथों से मरने से अच्छा है कि हम विष पी, ऐसे मतलब यू नो सो मच अपसेट द मदर वॉज. फादर वॉज बिट ऑल राइट, एंड बच्चा तो बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता था. तो हमने बहुत उसको कंट्रोल किया. तो पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, मतलब जो जो भी सवाल थे इसके मन में, लड़की के मन में कई सारे सवाल थे कि अगर कोई मैटर तो अभी पब्लिक हो गया, अभी पुलिस में भी कंप्लेन गई है, तो पुलिस कितनी बार मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कितनी बार कोर्ट जाना पड़ेगा, ये सारे सवाल थे. तो सारों का मैंने जवाब दिया, मैं बोला कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पुलिस स्टेशन आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस खुद आपके यहाँ आएगी, आपका स्टेटमेंट लेगी, फिर ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में तो जाना पड़े 1-2 बार, तो ठीक है, हम हैं साथ में, डरने की जरूरत नहीं है. तो वैसे 3-4 दिन बात करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई लड़की, जैसे पहले की थोड़ी सी डिप्रेशन में लगती थी. और ये भी उसका कंसर्न था कि मेरे सर पे 30 लाख का लोन है, मैंने लोन लिया हुआ है, और अभी नौकरी भी गई है, क्योंकि मैं मैसूर से भाग के आई हूँ, उधर बोला भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं लगाई, तो दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी. तो बहुत सारे उसके ये थे, मतलब अपसेट होने के कारण थे. तो वहां पर भी हमने बोला घर खरीदने के लिए, यू शुड क्लैरिफाई रॉबर्ट, कि घर खरीदने के लिए लोन लिया था ये उसने, तब उसने बोला अच्छा घर खरीदने के लिए और कुछ काम के लिए, मतलब 30 लाख का फिगर उसने बताया कि इतना मेरे सर पे लोन है, और अभी वो भी मैं कैसे पाऊं, कैसे बच्चों को पालूं, ये सब चिंता जताई उसने. तो उसको भी हमने कहा कि ठीक है, हमारा समुदाय में हम जो हो सकता है तो हमारे कि कुछ चंदा इकट्ठा करके सहायता करके, ये भी उसको बोल दिया हमने. हालांकि मैंने बाद में नहीं किया, मतलब अलग से कहानी हो गई, लेकिन ये सब करने के बाद आप पूरा इंश्योरेंस देने के बाद वो तैयार हो गई कि ठीक है, अब मैं रेडी हूँ, मैं पूरा जंग के लिए रेडी हूँ, वहां तक बोली हो. और यहां तक बोली कि देखिए आपका शकल दिखाना, आइडेंटिटी दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए हमने नहीं बताया आपका नाम. वो बोली नहीं ठीक है, भाई मीडिया के सामने जाने के लिए तैयार है, शकल दिखा सकते हैं, अभी अभी कुछ नहीं बचा, हर बार की लड़ाई, यहां तक बोली वो. तो जैसे ही वो इतना बोल्डली बोलने लगी, तो मैंने सोचा कि अब टाइम है कि पुलिस को बताना कि यहाँ आके स्टेटमेंट ले लें मैसूर पुलिस को.
तो मैंने मैसूर कमिश्नर को फोन किया कि लड़की मेरे यहाँ है, बेंगलोर में है, आपको टीम दीजिए। तो जैसे ही पुलिस कमिश्नर ने मैसूर बिशप विलियम क्राइन इतना सुना तो फटा नहीं उसको क्या झटका लगा, क्या शॉक लगा, तो उसने तुरंत यू नो बोल दिया कि मैं छुट्टी पे हूँ, किसी और को मिलो, बस फोन काट दिया। एक कमिश्नर की हालत है मैसूर की। तो मैंने उसके बाद फोन लगाया डीजीपी, डीजीपी ऑफ द स्टेट, डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस समय थी नीलमणि राजू आईपीएस, उनको फोन लगाया। जैसे ही उनको फोन लगाया तो पीए ने फोन उठाया और मैडम बिजी है, मीटिंग में है, मैटर व्हाट इज द मैटर। मैंने बताया, ऐसे ऐसे ब्रीफली बताया कि मैसूर बिशप का मामला है, उसने जाके ऑफिसर को बताया होगा। तो वैसे ही पता चला कि मैडम को पता चला कि मैसूर बिशप का केस है, तो वो जैसे कि पीए ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो कॉल बैक करेगी, कॉल बैक तो नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉल किया तो फिर बोलती है ना ना मैडम को मैंने बताया, इश्यू बताया, उन्होंने कहा कि वो शी विल कॉल बैक। उसके कई दिनों तक मैं कॉल करता रहा, मॉड मैडम विल कॉल बैक, यही जवाब, कभी कॉल उठाया नहीं। और देखिए, मैंने उससे बड़ा ऑफिसर होता है गृह मंत्रालय में, तो सरकार का यू नो आफ्टर द मंत्रिमंडल के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, होम के लिए होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, रजनीश गोयल आईएएस, उसको फोन किया मैंने, उसको फोन करके ये इश्यू बता दिया। जैसे ही उसने सुना ये बात, मैसूर विलियम क्राइम, बस इतने सुनते ही पता नहीं उसको क्या झटका लगा, ये बोलते हैं ना ड्रॉप लेके हॉट पोटेटो, तो मोबाइल उसने ड्रॉप लेके हॉट पोटेटो फेंक दिया होगा। तो मैंने छोड़ा नहीं, बार बार रिंग करता रहा मैं, कई बार रिंग करने के बाद लास्ट में एक उसने फोन उठा के बोला कि अरे जो भी मामला है मेरे को एसएमएस करो, बस, और फोन काट दिया। तो मैंने एसएमएस कर दिया उसको, क्या क्या मामला ब्रीफली, तो उस एसएमएस का क्या अचार डाल दिया उसने पता नहीं मेरे को। तो ये पुलिस की हाल है। तो मैं क्या कर सकता हूं अभी इस हालत में, देखिए मैं पुलिस, लड़की मेरे सामने, उनके मुंह से सुनना चाहते थे ना, आप तो सुनिए, अभी मैं फोन करके बता रहा हूं, तो सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे पास ये ऑप्शन बचा है कि अभी मीडिया को बता दे। तो लड़की को बोला मैं, देखो मैं एक मीडिया मित्र, जो भी रिपोर्टर है, लोकल रिपोर्टर टीवी न्यूज 18 का, उसको कॉल लगाता हूँ, मैं बात करता हूँ पहले और कॉल रिकॉर्ड करूंगा, आप बात करो, वो भी रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद मीडिया में आता है तो आने दो। वो राजी हो गई लड़की, और मैंने रिपोर्टर को कॉल लगाया, मैंने इंट्रोडक्शन किया, सहाना मेरे साथ है, उससे बात करो। तो सहाना को दिया, तो उसने पूरा कहानी बता दी, वो ऑडियो भी आपको दिया है मैंने, वो कन्नड़ा में है, उसने वो क्लियरली बताया कि ये वीडियो मेरा है, जो वीडियो बना, और उसमें शक्ल मेरी है, सारे कंटेंट मेरे हैं उसका, आई एम स्टैंडिंग बाई दैट, बहुत क्लियरली बताया, लेटर मेरा है जो लिटा है, और अभी छोड़ना नहीं है, अभी ये आर पार की जंग है, इतना सब बोल दिया वो। अब लड़की जैसे इतना बोल्डली बोलने लगी, तो सामने बैठी थी डोना फर्नांडिस का नाम लिया ना आपने, वो जानकी, तो सामने बैठ के सुन रही थी ये सब, उसको ये ठीक नहीं लगा, जो मीडिया के पास गया मैटर, और ये कितने खुल के बोल रही है लड़की, मतलब अभी तो बिशप गया ना, तो उसको कुछ पता नहीं, अजीब सा लगा। और जैसे ही हम काम करके जब वापस निकले, तो मेरे को तुरंत फोन आया एक मित्र से, डोना फर्नांडिस ने, हमारा एक मित्र है बीच का, तो उनको फोन करके बताया कि अभी रॉबर्ट मीडिया में गया, आरएसएस उसका गलत फायदा उठाएगी, तो हमने बहुत बुरा काम कर दिया। उस आदमी ने हमें को डांटा कि मीडिया के पास क्यों गए, अभी आरएसएस इसका गलत फायदा लेगी, डोना फर्नांडिस ऐसा बताया वैसा बताया, तो बस ऐसा हल्ला गल्ला कर दिया। दूसरे दिन से हमारे एंट्री बंद, विमोचन में जाने के लिए नाम, यू आर नॉट वेलकम, आ नहीं आ सकते यहाँ पे। हालांकि लड़की अंदर है, वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, फिर भी अंदर आना मना कर दिया हमें। तो ठीक है, मैंने तो पुलिस कमिश्नर को बोल दिया फिर कि टीम भेजो यहाँ पे, वो तैयार है स्टेटमेंट के लिए। लेकिन उस दिन कमिश्नर ऑब्लाइज किया, टीम भेजी वहां से, मैसूर से टीम भेजी, तो उसने तो 11-12 बजे मैंने बोला था, वहां से आने के लिए टाइम लगता है, तो शाम 7-8 बजे तक टीम आके पहुंच गई, एक लेडी ऑफिसर थी और एक टीम। जैसे ही विमोचना के यू नो दरवाजे पहुंचे, गेट के पहुंचे, हम भी थे साथ में गए पुलिस टीम के साथ, तो वॉचमैन बोलते अंदर जाना मना है, इधर कौन है, इधर कोई भी नहीं है, हमें स्टेटमेंट देना है लड़की से, नहीं नहीं जा नहीं सकते। तो मैंने कॉरिन को फोन लगाया, ये जो ना कॉरिन का नंबर था, कॉरिन को फोन लगाया, अभी टीम आई है पुलिस, ए रॉबर्ट व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट इज द टाइम नाउ, 8 o'clock, इज इट द टाइम टू कम, डम 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 कुछ बोलने लगी। सी फॉर पुलिस देयर इज नो टाइम, यू हैव टू ऑब्लाइज। अब ऑफिसर से बात करके, एसआई से बात करके, मतलब मैंने फोन दिया लेडी एसआई को, और उसको कॉरिन ने धमकी दी, और
हालांकि मैंने ये भी सुना कि आई विल कंप्लेन टू द कमिश्नर, अभी क्यों आई हो ऐसे। तो ये लेडी ऑफिसर एसआई ने बोल दिया कि ठीक है अभी नहीं, ठीक नहीं आपको लगता है तो ठीक है हम रुकते हैं यहाँ पे, कल सुबह आएंगे, कल सुबह आएंगे तो अरेंज कर दीजिए। और करीम कुमार ने क्या जवाब दिया मालूम है, कल तो छुट्टी है, कल नहीं हो सकता। देखिए इनका सीधा ऑडेसिटी ऑफ दैट विमोचन हेड्स, पुलिस को ये एंट्री मना कर रही है एज पर द लॉ, एज पर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी, पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर जा सकती, इतना पावर है पुलिस के पास। लेकिन क्या हुआ मालूम, जैसे ही उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया कि एंट्री नहीं है, तो तुरंत उसने हेडक्वार्टर से संपर्क किया ऑफिसर ने, तो उन्होंने बोला कि वापस आओ, बस ये चुपचाप जैसे आए थे वैसे वापस गए आराम से। और 5 दिन के बाद, मतलब इनको लगा कि अभी तो मैनिपुलेशन हो गया है, लड़की को पता नहीं क्या क्या ड्रग्स खिलाया, पता नहीं क्या क्या ब्रेन वॉश कर दिया है। तो 5 दिन के बाद फिर टीम आई वहां से, तब तक ये आधी ये टूट चुकी थी लड़की, तो उसका स्टेटमेंट में वो लिखती है खुद, उसके हाथों से लिखे हुए स्टेटमेंट में उसने बताया कि वीडियो मेरा है, वो मान गई वीडियो मेरा है, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं किया, ये रॉबर्ट कौन है मैं नहीं जानती, उसने क्यों कंप्लेन किया मैं नहीं जानती, मैं अभी कंप्लेन नहीं करना चाहती, बस इतना करके, इतना लेके पुलिस फिर वापस गई। अगेन एज पर द लॉ पुलिस वर ड्यूटी बाउंड टू क्वेश्चन हर, व्हाई यू डोंट वांट टू, that is our duty, it's there in the law, as per the law they cannot say abhi nahi karna chahte kyon nahi karna chahte puchna chahiye aur audio video record karna zaruri tha ladki ka statement kuch nahi kiya police ne bas wapas gayi aur ek game taiyar kiya usse pehle main ye bolna chahta hu ki abhi is beech mein jabki halanki ye ladki ready ho gayi statement dene ke wahan se wo unhone statement kar diya uske ek 7-8 din ka mahol tha tab main roz डेवलपमेंट जो भी होता जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आता मैं कमिश्नर को और इन्वेस्टिगेट ऑफिसर को लिखता रहा, ईमेल डालता रोज कि एक्यूज्ड बिशप विलियम इज लाइकली टू विजिट विमोचना। एक दिन मेरे को टाइम भी पता लगा, कल सुबह 8 बजे जाने वाला, वो भी सब कुछ मैंने पुलिस को बता दिया कि ही इज विजिटिंग, ही इज प्लानिंग टू विजिटिंग। वैसे इतना बोलने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया टू स्टॉप द एक्यूज गोइंग फ्रॉम दैट यू नो विमोचना। एक्यूज गया उधर, एक्यूज विलियम गया विमोचन में गया, फिर भी ये लड़की उससे मिलने के लिए राजी नहीं हुई, वहां भी वो थोड़ी मतलब दूर रही, मैं उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो विमोचन वालों ने क्या गेम किया, उसको आर्क बिशप के घर में लेके ले गए, आर्क बिशप ऑफ बेंगलुरु पीटर मचादो, उसके घर में ले जाके, हाँ वहां तो जाने के लिए राजी हो गई लड़की, वहां पे विलियम था, वहां जाके उसको डराया धमकाया या पता नहीं पैसा दिया क्या किया, सब कुछ किया। तो मेरा एक कॉन्फिडेंशियल सूत्रों से यह पता लगा कि 12 करोड़ रुपया उसको दिए गए, अब ये विमोचना वालों को 50 लाख रुपए दिए गए, ये मुआवजा देके फिर उसको नो अगर कुछ बता दिया तो एक तरह से डर एक तरह से पैसा। ये सब होने के बाद पुलिस टीम आती है कन्वीनियंटली स्टेटमेंट लेने की, उनको लगा कि अभी हॉस्टल हो चुकी है, तब जाके FIR रजिस्टर करती है। देखिए 5 तारीख को मैंने कंप्लेन दिया था, 28 नवंबर दे रजिस्टर दे फायर आफ्टर डिले ऑफ 23 डेज, 23 दिन के बाद जैसे पता लगा ही हॉस्टाइल है तो रजिस्टर तुरंत FIR रजिस्टर करते हैं और उसको वहां से लेके आते हैं मैसूर से, मतलब इन्हें पुलिस कस्टडी बेंगलोर से लेके आते मैसूर कोर्ट में 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। पुलिस कमिश्नर मेरे को बताया कि हमने तय किया कि 164 स्टेटमेंट, मैं बोला अच्छी बात है ठीक है करिए। तो 164 स्टेटमेंट का नाटक देखिए अभी, तो उसको पुलिस कस्टडी में कोर्ट के पास ले जाया गया। इंस्पेक्टर ने फोन किया था कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप भी आइए, तो मैं भी यहां से मैंगलोर से गया, मैं भी कोर्ट प्रीमिसाइस में रेडी था, लेकिन मुझे नहीं, और मैंने देखा कि पुलिस मतलब दोनों दोनों हाथ पकड़ के कंप्लीट लेके यू नो पुलिस कस्टडी में कैसे लेते हैं लोगों को विमेन, वैसे वो बीच में थी, हमें उससे संपर्क करने का ये नहीं था मौका नहीं था, उसका हस्बैंड भी बहुत डरा हुआ था, मैंने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की तो एक लड़का था उसके उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको जो फोटो भेजा है मैंने उसके उसमें फोटो है वो आदमी बॉडीगार्ड था, अरे उसे क्या बात करना है मेरे से बात करो, कोर्ट प्रीमाइसेस में मेरे को धमकी कि चाहना के हस्बैंड से बात नहीं करना मेरे से बात करो, वो मेरे को धमकी दे रहा है। और ये दोपहर तक नाटक चला, पुलिस कोर्ट के अंदर ले जा रही थी बाहर ले जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद पता चला एक आदमी ने ये बताया कि उसका स्टेटमेंट हो गया है। कैसे हो गया है स्टेटमेंट, उसने ये बताया कि ऐसे हो गया
कि वे लड़की को ले गया कोर्ट के अंदर, उसका हस्बैंड भी था, उसके पति ने एक कागज जो लिखा हुआ रेडी कागज से मैजिस्ट्रेट के हाथ में पकड़ा दिया और मैजिस्ट्रेट ने उसको लिया और बस ये वापस आ गए, दो मिनट का काम है, वापस आ गए। मैं बोला अरे 160 स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं होता है, 160 स्टेटमेंट को लड़की को कड़गड़े में कड़ा करके शपथ दिला के उससे बुलवाना पड़ता है, आपको जो जो कहना है कहिए, उधर टाइप करके उसका सिग्नेचर लेना, दिस इज कॉल्ड 164 स्टेटमेंट एंड रिकॉर्डेड बिफोर मी, कल के मैजिस्ट्रेट आल्सो हैज टू साइन। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप है यार, एक तरह से वो झूठ नहीं बोलेगा सही बोलेगा, लेकिन फिर भी यार बाहर आके बोलने के लिए कोर्ट का मामला है ना। तो मैंने सर्टिफाइड कॉपी का इंतजार किया, जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी मेरे हाथ लगी तो पता चला कि ये आदमी ने जो बोला था बिल्कुल सही है, ये घपला हुआ है, उसमें फैब्रिकेशन हुआ है, क्योंकि उसका हेडिंग ही गलत है। अब देखिए कोर्ट का जब स्टेटमेंट होता है ऊपर लिखा होता है हेडिंग, हेडिंग में लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ सेकंड JMF सेकंड कोर्ट मैसूर, ऐसे होना चाहिए था, आम बात है। इधर लिखा है इन द कोर्ट ऑफ JMF थर्ड कोर्ट मैसूर, मतलब सेकंड कोर्ट की जगह थर्ड कोर्ट हो गया। अगर वो ऐसा मिस्टेक कोर्ट नहीं कर सकती, टाइपो एरर भी नहीं सकती, फिर भी अगर एक पल के लिए मान ले टाइपो एरर, तो एंड में साइन करते वक्त भी लिखना पड़ता है कि उधर भी लिखा है कि JMF थर्ड कोर्ट, अब ये सेकंड से थर्ड कोर्ट कैसे बन गई, मतलब बाहर टाइप करते वक्त ये मिस्टेक हो गए। फिर उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, लिखने का स्टाइल है, फॉन्ट है, कुछ भी कोर्ट का इसमें मैच नहीं होता है, जो बॉक्स आइटम बनाया है और ज्यादा लंबा नहीं, एक डेढ़ पेज का है, वो बिल्कुल एक कोर्ट का हिसाब से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की का सिग्नेचर ही नहीं है उसमें, हालांकि 160 स्टेट में लड़की से सिग्नेचर लेना जरूरी है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को लगा के अब क्या हो गया, अब पुलिस भी बहुत अरे लड़की ने बोला है कि कुछ नहीं हुआ है 160 स्टेटमेंट, तो बंद कर दो, बी रिपोर्ट डाल दो, तुरंत बी रिपोर्ट डाल दिया। तो जैसे ही बी रिपोर्ट कोर्ट में डाल दिया, कंप्लेनेंट मैं हूं तो मुझे नोटिस देना जरूरी है। हेलो, हाँ जी, या कुछ गड़बड़, हाँ ना ठीक है ना, तो मेरे को नोटिस आया कि पुलिस ने बी रिपोर्ट दे दिया, इफ यू वांट टू कंटेस्ट द केस यू प्लीज। तो जैसे ही मैं गया मैसूर कोर्ट में, मेरा कंटेस्ट किया मैंने, आई चैलेंज द बी रिपोर्ट, और बी रिपोर्ट चैलेंज करके मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि क्या क्या लूप होल्स है इसमें, सारे मैजिस्ट्रेट के सामने, वही मैजिस्ट्रेट है जिसके सामने सो कॉल्ड 160 स्टेटमेंट बनाया गया था वहां पे, एंड द मैजिस्ट्रेट द लेडी मैजिस्ट्रेट वॉज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट ऑन ओथ, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑन ओथ, ये सब करना जरूरी था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करके बंद कर दिया केस, बिकॉज द पुलिस हैव फाइल्ड द बी रिपोर्ट, इट हैज बीन एक्सेप्टेड, द केस इज क्लोज। उसमें ये भी हवाला दिया कि 164 स्टेटमेंट खुद लड़की ने माना है कि कुछ नहीं हुआ है, ते हवाला देके केस बंद कर दिया। तो मैंने अपील की डिस्ट्रिक्ट मैसूर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, मैंने रिविजन पिटिशन डाला वहां डाके, आई चैलेंज द इम्पैक्ट ऑर्डर ऑफ द JMF सेकंड कोर्ट मैसूर, और खुद मेरे केस मैंने ही चलाई, मैं कोई वकील नहीं पकड़ता हूँ, आई हैंडल माई केस बाई माई सेल्फ, आई डिड द आर्ग्यूमेंट, और मैंने कोर्ट को साफ साफ बताया कि ये पुलिस मिली हुई है, ये निचला कोर्ट भी जस्टिस नहीं दिया, सिर्फ जस्टिस नहीं दिया नहीं, लगता है कि 164 स्टेटमेंट इज फैब्रिकेटेड, सारे मामले मैंने जो जो माई विटनेसेस जो सुना था और जो स्टेटमेंट दिखा था सारे मैंने बता दिए। और यहाँ नोटेबल पॉइंट है कि सामने अभी रेस्पॉन्डेंट बनाया था मैंने स्टेट को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द रेस्पॉन्डेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड द पुलिस, एंड सेकेंड रेस्पॉन्डेंट वॉज आरोपी बिशप विलियम, उसका वकील। तो दोनों रेस्पॉन्डेंट ने ये मैंने जो कोर्ट के ऊपर जो आरोप लगाया था कि 164 स्टेटमेंट फैब्रिकेट है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब वो गलत आरोप लगाया ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब इनडायरेक्टली दे एग्रीड दैट व्हाट आई से इज करेक्ट, 164 स्टेटमेंट इज फैब्रिकेटेड, उनको उन्होंने दोनों ने चैलेंज नहीं किया, मतलब और बाकी ऑन लीगल पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट करके अभी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, परसों 8 तारीख को सबका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, अभी इट इज पोस्टेड फॉर ऑर्डर्स नाउ। अब वुड दिस नॉट इन्वॉल्व पर्सनल रिस्क फॉर यू, क्योंकि अगर उस लड़की के साथ वो अबडक्ट कर सकते हैं, गुंडा टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और पुलिस को पैसा खिला सकते हैं ताकि पुलिस भी खपला करिए, जजेस को पे ऑफ कर सकते हैं क्योंकि झूठी स्टेटमेंट बिना लड़की की सिग्नेचर के
स्टेटमेंट 164 में जो जज लेता है क्या वो जज जज कहलाने लायक भी है? तो सारा सिस्टम जो है लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस सिस्टम लुक्स लाइक इट्स नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज इट्स प्रोस्टिट्यूटेड. तो आप कंप्लीट कोल्यूजन ऐसे में जो मैसेज जा रहा है, मैं जब आपकी बात सुन रही हूँ, एक तो आई एम वरीड फॉर यू बिकॉज योर लाइफ इज ऑल्सो एट रिस्क एंड वी कांट अफोर्ड टू लूज प्रेशियस लाइव्स लाइक योर्स. दिस इज अनदर रीजन आई वॉन्टेड टू डू दिस बिफोर इट अपीयर्स इन कोर्ट, क्योंकि ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है. ये नेशनल लेवल पे भी लोगों को पता होना चाहिए. और मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगी प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, इवन दो टुडे वी हैड टू डू इट बिफोर टाइम, तो इसलिए दे मे बी लिमिटेड ऑडियंस, बट आई अर्ज यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो वाइडली सो दैट द मैसेज स्प्रेड्स. जो जो आप में से जर्नलिस्ट को जानते हैं, कृपया जर्नलिस्ट को भी भेजिए. Ask them to cover this case and ask them to talk to Robert. This must become public knowledge on a large scale so that there is some protection for Robert. Ek to ye baat. Dusra, jo message aa raha hai, ye jo message aa raha hai Robert, usse to yehi lagta hai ki jiske paas money aur muscle power hai, uske pocket mein sari machinery hai. सरकारी मशीनरी बैठी है और वो यू नो यू नीड दाऊद इब्राहिम टाइप ऑफ पर्सन बिहाइंड यू व्हिच हैंडल्स अफेयर्स फॉर यू इन द वे दैट इवन दिस बिशप एक्टेड. दिस इज नॉट नॉर्मल सिटीजन एक्टिंग, दिस इज नॉट इवन नॉर्मल गुंडा एक्टिंग. क्योंकि अगर आप कह रहे हो 12 करोड़ इसको दिया, 2 करोड़ उसको दिया, 50 लाख विमोचना को दिया, तो इसका मतलब ये तो सारे सिस्टम को खरीद सकते हैं. सिर्फ ये 12 करोड़ नहीं होगा, पुलिस को भी दिया होगा, जजेस को भी, जाहिर है कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ा होगा. जो बिना साइन किए स्टेटमेंट को 164 का उसका स्टेटमेंट मान के केस को रफा दफा कर देते हैं. अब इतनी बहादुरी दिखा के भी लड़की अगर डर जाती है, टेररिज हो जाती है, साइलेंस हो जाती है, What are we going to do? Who do we go to for justice? बिल्कुल. अब आप आपने ये सब इतना सब बताया तो मैं एक ये भी कहानी बता दूंगी. रिपब्लिक ऑफ पब्लिक, मैंने कमिश्नर को लिखा भी है कि इज द रिपब्लिक ऑफ मैसूर रूल्ड बाय बिशप विलियम. मैंने उसको पत्र भी लिखा है. रिपब्लिक ऑफ मैसूर मैंने क्यों कहा और रूल्ड बाय बिशप, क्योंकि हालात वहां के ऐसे है कि मैं वहां पत्रिका गोष्ठी नहीं कर सकता. आई कैन नॉट होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मैसूर. दिस इज द हालत. कौन स्टॉप करता है? मतलब आई डोंट नो बिहाइंड द सीन हु ऑल स्टॉप्स. आई बुक द प्रेस क्लब ऑफ मैसूर फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 5th of November 2019. पैसा भरा, 1000 रुपया भरने का रिसीट है मेरे पास, कंफर्म हुआ. जैसे ही टाइम पे हम प्रेस क्लब में पहुंच गए, नहीं नहीं यू कांट टॉक. जैसे उनको पता लगे मैं बिशप के खिलाफ बोल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अलाउड इन द प्रेस क्लब विच इज रन बाय यू नो फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट सब्सिडी. तो प्रेस क्लब नहीं कर सकता. फिर बाहर जैसे मैं बाहर निकला, प्रेस वालों को तो बहुत ही दिलचस्पी थी, हॉट इश्यू, तो मेरे पीछे आए तो प्रेस क्लब के सामने जो बगीचा है वहां पे मैंने एड्रेस किया प्रेस को. तो मैसेज तो गया प्रेस में, प्रेस क्लब ने अलाउ नहीं किया. ये तो एक इंसिडेंट हो गया. और दूसरा इंसिडेंट ये है कि हमने फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा बाद में, तो एक होटल है, होटल ग्रैंड सिपाही में हॉल बुक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, उसी दिन मैंने इसे सारे एविडेंस वगैरह प्रेस को दिए. और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो ये होटल वालों का हैरेसमेंट शुरू हो गया पुलिस की तरफ से. ये हमें कैसे पता चला कि तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते, उस टाइम ये होटल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, पुलिस वाले हमने धमका रहे हैं, ये हालत है. तो क्या किया मैंने, दूसरे होटल में बुक किया, होटल प्रेसिडेंट नाम का एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक किया. और रूम जैसे ही मतलब हॉल टाइमिंग वगैरह कंफर्म करने के बाद पेमेंट नहीं किया, पेमेंट बाद में करना है. तो जैसे ही मैंने मीडिया में खबर दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो तुरंत होटल वालों से फोन आया कि ना ना वो कमरा खाली नहीं है, हम गलत फहमी थी, हमने बंद कर दिया. तो हम तुरंत हम होटल पहुंच गए, क्यों हमने कन्फर्म किया था अभी प्रेस को बोल दिया, हम कैसे करेंगे. तो स्टाफ ने बात करते हुए मैंने सुना, मेरे कानों से सुना, प्रेस मतलब
दे कुडंट आइडेंटिफाई मी, मैं हूं उनको पता नहीं था। अब आपस में बात कर रहे थे, उनकी बातचीत ये थी कि कमिश्नर की तरफ से एमडी को फोन आया है होटल के, कमरा नहीं, कमरा नहीं देना, हॉल नहीं देना है। अब ये कमिश्नर कौन है? वो म्युनिसिपल कमीशन तो हो नहीं सकता, वो तो पुलिस कमिश्नर होना चाहिए। अभी कमिश्नर को क्या जरूरी है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोके? देखिए ये हालात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता। तो देखिए आज मैं आपके साथ लाइव इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा करने वाला तो कर नहीं सकता। अब देखिए मैंने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मतलब बगीचे में की थी, उसके उसके ऊपर 17 महीनों के बाद मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। आफ्टर 17 मंथ्स एफआईआर होती है, एफआईआर मेरे ऊपर होती है, मेरे घर पुलिस आती है मैसूर से, दे सेंड पुलिस टू अरेस्ट मी इन लास्ट मार्च 17 महीने के बाद। और कारण क्या है? 153A सेक्शन लगा के, और वो भी कौन से स्टेशन में? आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस स्टेशन नहीं है, अलग ही पुलिस स्टेशन, विजयनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करके पुलिस मेरे दरवाजे तक पहुंच जाती है। मैं बच गया, मैं यू नो आई मैनेज टू एस्केप, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट दे केम टू अरेस्ट मी आफ्टर 17 लॉन्ग मंथ्स एंड 153A चार्जेस। ये हालात है मैसूर में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिपब्लिक ऑफ मैसूर इज रन बाय होम, इट्स नॉट रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इज रन बाय द बिशप विलियम। Have you tried to reach the political establishment? Are they aware of it? What is their attitude? Kya wo bhi aise church ke gundon ke aage natmastak hai? Ab aapne itna pucha to main kya bolu? Home minister karke ek hai state mein, to unko main email dalta raha hamesha, usse zyada main kya kar sakta hu? Directly maine bent nahi ki, main ईमेल के ईमेल ईमेल के ऊपर ईमेल डालता रहा होम मिनिस्टर को, और तब का होम मिनिस्टर था तो आपको उसको प्रमोशन हो गया, अभी तो सीएम बन गया है। वो ईमेल तो हमेशा डालता रहा हूं मैं, तो क्या करती होगी? और ये पब्लिक में आया, वो प्रेस में आया, ऐसा नहीं कि इनके दबाव के बावजूद भी प्रेस में तो आया, न्यूज 18 में अच्छी कवरेज थी, तो प्रेस में आया तो सरकार को मालूम होना ही चाहिए ना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मैं सीधा बात की थी, हालांकि वो रेडी नहीं था बात करने की, फिर भी मैंने थोड़ा तो कन्वे किया, ईमेल्स के ऊपर ईमेल डाली, और रोज जो भी होता है डेवलपमेंट मैं बताता रहता हूँ। तो क्या कर रही है डेवलप? और आई वांट टू स्ट्रेस हियर द कर्नाटका इज नॉट रूल्ड बाय ममता दीदी, नाइदर इट इज रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन चलाता है कर्नाटक को? इट इज द देशभक्त राष्ट्रवादी पार्टी चलाती है सरकार कर्नाटक में। यहाँ पे ये हालत है, तो ये दोष देते हैं कि ममता दीदी को, सही है ना? This is really worrisome. This is really worrisome. क्योंकि ये तो undermine कर रहे हैं state को, और अगर political establishment भी अपना खुद का subversion खुद करा रही है, they are subverting law and order, they are compromising the police, they are buying it off, they are compromising the judiciary, और अगर political establishment या वो leaders जो आए हैं सबका साथ सबका विकास सबका, ये तो सबका विनाश पता नहीं होगा, पर हिंदुओं को तो विनाश होता दिख रहा है। सबका विनाश बोलेंगे नहीं, लेकिन लगता है कि यार आप विनाश करते तो देखिए, इस्लाम का ये विनाश नहीं करने की हिम्मत करेंगे, चर्च को नुकसान नहीं करेंगे, तो बचे कौन? हम हिंदू, तो हमारा विनाश बाकी सबका साथ। ये बहुत दुख की बात है कि इतना आउटरेजस साबोटाज होना पूरी जुडिशियल मशीनरी का, पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का। तो इसलिए तो फिर ऐसा लगता है कि हिंदू समाज को भी फिर दाऊद इब्राहिम ढूंढने पड़ेंगे क्या, तभी ये सरकार सुनेगी? सुना अभी भी महाराष्ट्र की सरकार को दाऊद इब्राहिम चलाता है, तो हमें भी क्या ऐसे ही कुछ शरण लेनी पड़ेगी ऐसे ही लोगों की? क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज द फर्स्ट, बाकी भूल जाइए, बाकी सब चीज के बगैर हम जी सकते हैं, वो फैंसी हाईवे के बगैर जी सकते हैं, और जीडीपी अप एंड डाउन के बगैर भी जी सकते हैं, जी सकते हैं। और कैसे जी सकते हैं जब हमारी जान माल की सुरक्षा, जो किसी भी सरकार का स्टेट का पहला फर्ज है, सिटीजन की जान की हिफाजत, उसकी इंटेग्रिटी की हिफाजत, उसकी इज्जत बनी रहे, उसको डर दहशत में न जीना पड़े, और ये हाल कर रहे हैं अगर
ऐसा सिटीजन जो बहुत हेल्पलेस पोजीशन में, एक 23 साल की महिला अगर दरवाजा खटखटाती है न्याय व्यवस्था का, और पुलिस की, पुलिस डीजीपी तो खुद महिला थी, तब देखिए जब हुआ था डीजी द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द पुलिस इज द डीजीपी, वो खुद महिला थी, नीलमणि राजू आईपीएस। ये तो बिल्कुल ही वैसे ढोंग है कि अगर आप महिलाओं को ले आओगे जुडिशरी में, महिलाओं को ले आओगे पुलिस में, तो जैसे सुधर जाएगा। मैंने तो कम से कम ऐसा नहीं देखा। जो ईमानदार है वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुलिस भी हो सकते हैं। Those who are honest are not honest because they are women. सही है। You know, I would say there are as many dishonest women in the police and judge. And this ये बोले ना, मैंने JMS second court बोले ना, judge is a woman, is a lady. हाँ। ये 164 statement record करने वाला judge है ना, वो lady, she is a lady. The so-called 164 statement. बताइए तो क्या ये इससे अच्छा घर में ही बैठे महिलाएं, अगर यही गुंडागर्दी को सपोर्ट करना है महिलाओं ने भी, सो व्हाट्स द बिग एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग देम इन। और जब विमोचन, सबसे बड़ी बात तो ये विमोचन वालों की है, ये लोग ना, अरे ऐसे ऐसे यू नो, दीज आर द यू नो क्या बोले मैं, दे आर द श्राप ऑन द सोसाइटी। द विमोचन लाइक संस्था है ना, जो लोग इनको क्या बोलते हैं, दे ट्रस्ट देम एंड हाउ दे मिसयूज देम। Robert, when I nearly 35 years ago, when I published my article, why I do not call myself a feminist? तो विमोचना वाली जो महिलाएं हैं उनका बड़ा रोल है मुझे फेमिनिज्म से भगाने का। ये सारे जो फॉरेन फंडेड एनजीओस मेनली एट दैट टाइम एंड इवन नाउ मेजोरिटी फंडेड बाय द चर्च, either directly or indirectly, the likes of Indira Jai Singh, I mean, ये सारा एक पूरा माफिया है जिन्होंने पूरे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ऐसा कब्जे में रखा है कि इनकी मर्जी के बगैर वाकई कोई FIR नहीं हो सकता, और ये झूठे 50 केस दर्ज करवा सकती है ये महिलाएं भी, ये फेमिनिज्म के नाम पे बैटल करने वाली महिलाएं भी। सो द विमोचना संस्था मैं अच्छे से जानती हूँ, मानुषी के अर्लीस्ट सब्सक्राइबर्स में थे, पर जैसे जैसे इनके बारे में बातें पता चलती रही, तो मैंने कहा ना कि करीब 35 साल पहले मैंने लिखा था व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, एंड इट वॉज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूटली अनएथिकल कॉन्डक्ट ऑफ आर फॉरेन प्रॉप्ड, फॉरेन फंडेड फेमिनिस्ट। और इनके चलते अब जो देसी भी फेमिनिस्ट निकल रही हैं वो भी कोई कम जालिम नहीं है। सो एनीवे आई विश यू गुड लक विद द केस इन द कोर्ट। आई होप द नेक्स्ट जज दैट यू आर अपियरिंग बिफोर और यू हैव अपियर बिफोर विल बी अमंग दैट माइनॉरिटी व्हिच स्टैंड्स अप फॉर जस्टिस। I wish you good luck and I wish and I pray for your long life. We need many more Roberts. We can't afford to lose or have you harmed in any which way. So Robert, please keep in touch and I'm sure many of us will stand by you in this battle. Aur ye battle rukna nahi chahiye. Jis tarah aap ek step pe isko follow kar rahe hain और जिस लीगल एक्यूमेन के साथ इसको फॉलो अप कर रहे हैं, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, वी ओ यू अ डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर टेकिंग अप दीज कॉजेस, आई रियली अप्रिशिएट इट। फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई थिंक देयर वाज वन, एक सुपर चैट में एक तो मैंने देखा था, देवांग का है। देवांग जी, थैंक यू फॉर बीइंग रेगुलरली अ विजिलेंट viewer, at what point in these cover-ups, similar incidents happen throughout Southeast Asia, would international organizations get involved to defend local pastors? बताएंगे आप? हाँ जी, क्या? रॉबर्ट, ये सवाल का जवाब दो, दिवांग का सवाल है। ये सवाल क्या है? At what point in these cover-ups,
would international organizations get involved to defend local pastors? ये जो आजादी Amnesty International, Flood, Himka, all the international organizations एकदम आ जाते हैं. अगर मान लीजिए अगर बिशप को थोड़ा भी एक नोटिस भी चला गया होता तो ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार टर्निंग फासिस्ट, वो फासिस्ट बोलते तो एट व्हाट स्टेज डू दे कम इन. No, they are always there with you, and there is a stage ki zarurat hai. So, shuru se ye, they are always with them. Alag alag patr unko ready rehta hai unko ki wo fasle ke baad jayenge, aisa nahi hai. Nahi to ye itna bada abhi ye dekhiye, abhi ye accused to Bishop William hai Bangalore ka, wo to abhi nishane pe hai na, matlab. Lekin Archbishop Peter Machado ka kya patr hai isme, uska bada patr hai isme usko bachane mein. और उसका ये ईमेल भी है, शायद आपको मैंने ये ईमेल भेजा, एक ईमेल भेजा वो ईमेल आशीष, वो जरा ईमेल अगर दिखा सकते हो. ये प्रॉमिस करता है, यू नो पीटर मचादो प्रॉमिस करता है, इन केस यू फियर एनी अरेस्ट आई कैन गिव यू शेल्टर. देखिए हां वो दिखा दो जरा, जहां बिशप को आर्च बिशप कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम भागे हुए हो, अगर पुलिस तुमको पकड़ लेगी इस लड़की के चार्ज पे तो आपके लिए बड़े मुसीबत हो सकती है. ये आर्च बिशप कह रहा है, जरा वो ईमेल दिखा दो जो हाँ हमें भेजी थी. और वो उसको कह रहा है जरा भी दिक्कत हो मेरे घर में आ जाना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बताइए. ये तो खुले. अच्छा ये ईमेल कैसे मिली, कैसे आप? नहीं वो तो कई सारे चीज मिले, और एक मिला मेरे को, ये तो बहुत क्या बोलते अंदर की बात है, जो कार्डिनल ऑक्सफोर्ड ग्रेशियस और बिशप विलियम का कॉन्वर्सेशन वो भी मिला हमें, सब कॉन्फिडेंशियल है ना. ओके सो ये सही बात है, इसमें वो खुल के कह रहे हैं. नीचे है शायद आर्च बिशप की, नीचे है आर्च बिशप की चिट्ठी, ये तो बिशप विलियम बता रहे हैं. और ये आर्च बिशप, डियर बिशप विलियम, you can call on my personal number or write to me at my personal email id etc etc. please be assured of my help and support. I have informed of your situation to the nuncio's office and cardinal gracias office. If you are apprehensive of any harm or you would like a safe place to stay, please let me know. I can arrange for the same. This is a crime under the law. Sheltering a criminal is a criminal offense. That's right. This is Peter Machado, Archbishop of Bangalore. So, inke NGO vimochana phimochana wo bhi saath police ko dara ke dhamka ke rakha hai, kyunki agar kuch kiya to phir wo police bhi fascist ho gayi. To isiliye commissioner police darta hai, bataiye, phone lene se bhi darta hai. अगर पर शंकराचार्य को अरेस्ट करने से ये लोग नहीं डरते, जहां पे जब यू रिमेम्बर सोनिया जी ने करवाया था जो ऑपरेशन, या आई नो दैट, या उनको अरेस्ट करने, उनको बीच रातों रात मिसहैंडल इन फ्रंट ऑफ कैमरास, दे ह्यूमिलिएटेड वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ हिंदूस. बट ये बिशप के लिए बात आई तो फोन लेने से भी हमारे पुलिस कमिश्नर डरते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर डरते हैं. तो ये माइनॉरिटी है तब ये हाल है, तो जिस दिन ये मेजॉरिटी हो गए तो प्लीज बी रेडी फॉर कन्वर्जन और डेथ. ये दोनों का मैंडेट एब्राहमिक्स का है. दे वांट टू वाइप अस आउट एंड दे आर डूइंग इट इवन एज माइनॉरिटीज इन दिस फैशन. देखिए ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि मैं भी कन्वर्ट हो जाऊं. मोर देन एनीथिंग एल्स दिस दीज आर डायरेक्ट इंसेंटिव्स टू कन्वर्शन. आपकी बात की सुनवाई तभी होगी कि जब आपका नाम कोई क्रिश्चियन है, आपके पीछे पूरी क्रिश्चियन लॉबी का, क्रिश्चियन लॉबी का ग्लोबल लॉबी आपके साथ है, या इस्लाम उसकी मसल पावर, उसकी मनी पावर, उसकी ग्लोबल लॉबी. तो ये तो इंसेंटिव्स टू कन्वर्ट हिंदुओं के लिए, मुझे भी कई बार लगता है कि सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, तो क्या हम भी पहुंच जाएं उस तरफ, अगर जीना भी इतना दूभर हो रहा है. बट नो दैट्स
That's just, you know, I was being, क्या बोले, अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ. इस तंत्र को रोकना है और भाजपा सरकार को जैसे तैसे जगाना है. Viewers, please take encouragement from the fact that Kashmir Files के जो एकदम जन उफान हुआ है उस फिल्म को देख, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आपके स्टेटमेंट्स देने लग गए. हाँ जी, इस साल में कभी नहीं स्टेटमेंट्स. अडवाणी जी रोने लगते हैं, रोने पड़ते हैं, जिनकी वजह से हालांकि बीजेपी के सपोर्ट में वो सरकार खड़ी थी. बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल आंख में पट्टी बांध के ही थी, बांध के खड़ी थी. अगर उसी समय सरकार को गिरा देते तो कम से कम ये होम मिनिस्टर निकल जाता, और नहीं तो फैक्ट्स ही बता देते. इनके पास इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, आरएसएस, ऑल इंडिया नेटवर्क है, भाजपा का ऑल इंडिया नेटवर्क है. हम सब मूर्ख बने रहे क्योंकि बिल्कुल जानकारी. लेकिन आज अडवाणी को रोना आता है और मोदी जी को भी धुआंधार भाषण करना आता है आज. तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी आवाजें मजबूत होंगी, तेज होंगी, वैसे वैसे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जगेगा. नहीं तो ये दुबक के धिम्मी बन के बैठे रहेंगे एंड वी कांट अफोर्ड टू डू दैट एनीमोर. सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज, शेयर दिस वीडियो, लेट जर्नलिस्ट दैट यू नो ऑफ, चाहे छोटे छोटे अखबार के क्यों ना हो, आपके एरिया के जर्नलिस्ट, छोटे छोटे यूट्यूबर क्यों ना हो, इसका हवाला लेते हुए प्लीज ये मैसेज पहुंचाइए. एक तो हमें रॉबर्ट के लिए चिंता है इसलिए, और दूसरा ये जो रेपिस्ट और क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, चाहे चर्च में हो या कहीं हो, नो मैटर व्हाट द स्टेटस, दे हैव टू बी टेकन टू टास्क. अगर यूरोप में, अमेरिका में ये सारे केसेस खुल सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं. सो वी मस्ट डिमांड इट. प्लीज डू लेंड सपोर्ट, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मानुषी. इन्हीं शब्दों के साथ रॉबर्ट, माई गुड विशेस टू यू. जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, हैप्पी होली टू ऑल. आपको भी नमस्ते.